जी जी जी, अब तो मैं घर पहुंच गया हूँ, कल इंशाल्लाह इसको करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह शुक्र है तू जल्दी आ गया, वो क्लीम आया बैठा है। तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? क्या बताऊँ, इतना उसका मूड खराब है, बात ही नहीं कर रहा सीधे मुँह, जो तो बेचारी सहमी बैठी है। तू जरा जाके इसको टाइम दे थोड़ा। अम्मा मैं अभी तो आया हूँ। अच्छा चले मैं जाता हूँ थोड़ी देर। हाँ और सुन, अच्छी तरह टाइम दी, उससे बातचीत करी, वो जरा खुश हो जाए और अपनी बीवी को लेकर कहीं इधर उधर ना हुई। कहेगा मुझे बिठा के सैर सपाटे पे निकल गए, मेरी इज्जत ही नहीं की, मैं दमाद था, मैं ये था, मैं वो था। ठीक है मैं जाके देख। चाची जान खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ लेकिन अभी नहीं खाना लगाना, जब मैं बताऊंगी ना तब खाना लेके आना। अच्छा ठीक है। अम्मा मेरी बात तो देख लिया आपने आदम जी, ऐसे होता है मेरे साथ इस घर में। अभी कलीम अचानक से आ गया, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने शफक के साथ प्लान बनाया हुआ था, खाने पे लेके जाना था उसको, अब क्या करूं? हाँ लेकिन ये भी तो जरूरी है, घर आए मेहमान को यूं इस तरह से छोड़कर चल जाना मुनासिब तो नहीं है ना। तो आप ना दिल की बहुत ही अच्छी हैं, ऐसी बातें करती हैं कि मुझे भी माननी पड़ती है। ठीक कह रही हैं, और आप कह रही हैं तो मान जाता, नहीं जाता कभी। अब्बा को भी फोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ आकर कंपनी दे, खाने में क्या बनाया है। ये कोई नाराज होने वाली बात है? तुम्हें समझना चाहिए ना, मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं हूं, एक बेटा भी हूं, एक भाई भी हूं, मुझे उन सबके हकूक भी तो निभाने हैं ना। ठीक है फिर तुम सबके हकूक निभाओ, मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती ना, सब तुम्हारे सगे हैं और खास करके वो। कौन वो, किसकी बात कर रही हो? वही जिसे तुम्हें घर रुकने के लिए बोला। क्या हो गया शफक, शादी हुए अभी 4 दिन नहीं हुए और तुम्हारे दिल में अभी से मेरी माँ के लिए नफरत पैदा हो गई? मैं एक तो 2 मिनट मियाँ बीवी कमरे में बात नहीं कर सकते, तशरीफ ले आइए। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ मैं कौन हूँ। आदम जी क्या हुआ? ये आदम जी मैंने आपसे ये कहना था कि आज से ना आपकी ये ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, अब से ये सारे काम शफक कर लिया करेगी, आप बेफिक्र हो जाए। आदम साहिबा ये ड्यूटी कैसे छोड़ सकती है, उन्हें तो बार बार इस कमरे में आने का मौका चाहिए, कभी जूस लेके आती हैं, कभी चाय, कभी फ्रूट। मैं आपके कहने पर ही लाती हूँ शफा। देखो दुर्योधन, मैं बेशक यहाँ अभी आई हूँ पर तुम्हारी हकीकत से मैं बहुत पहले से ही वाकिफ हूँ। भाई तुम मजलूमियत के ड्रामे करके मेरे शोहर को तो मुतासर कर सकती हो, पर ये ड्रामे मुझ पे क्यों नहीं असर करते? क्या हो गया शफक, तुम मदन जी से कैसे बात कर रही हो? यही चाहती थी ना तुम कि मेरा शोहर मुझसे इस तरह से बात करे। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ भड़का रही हो और कह रही हो कि मैं क्यों चाहूंगी ऐसा करना। बस शफक बहुत बोल लिया तुम, अतुल जी शफक बिल्कुल ठीक है, आज के बाद आप इस कमरे का कोई काम मत कीजिए, शफक का कमरा है ना, यहाँ के सारे काम भी शफक खुद करेगी। अरुण जी जो बदतमीजी शफक ने आपसे की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, ये लोग अगर आपको अच्छा नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आपको भी इनके लिए अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं।